सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे और मैं भी जो है ठीक ठीक कर रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है बेस्ट मोबाइल होल्डर आपकी टू व्हीलर के लिए, आपकी बाइक के लिए और स्कूटी के लिए। और जो मोबाइल होल्डर हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एरिया में, वो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सो ये वैसे तो हमने खोल लिया है, ये है डब्बा और इस डब्बे के अंदर है एक और डब्बा और ये कुछ ऐसे निकलेगा और इसको हम साइड से फेंक देते हैं और ये खोल लिया है हमने। बाकी अब दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं। ये सब कागज पन्नी और ये जो है इस मोबाइल के कागजात, ये सब हम जो है फेंक देते हैं साइड में। और ये है हमारा मोबाइल स्टैंड, क्या बात है, बहुत ही शानदार। प्लास्टिक की क्वालिटी में है लेकिन काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, मतलब देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ पे भी जो है एक आपको ग्लास टाइप का दे रखा है, ये भी प्लास्टिक है वैसे तो, लेकिन ये है कि आप इस पर राइड करते करते पीछे का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रंट का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब अच्छे से राइड कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसके साथ एक फ़िट करने की एलंकी भी दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पोजिशन है, यहाँ इसके नीचे जो है स्क्रू दे रखे हैं, अगर आपको लूज़ या टाइट करना है तो वो इसके साथ आप कर सकते हैं। और एक ये जो है स्टीकर दिया हुआ है, ये स्टीकर दिया हुआ है 3M का, ये स्टीकर है। और ये स्टिकर आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से खोलूँ, थ्री साइड से ओपन हो जाता है ये, क्या बात है, इतना बड़ा है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी आपका फ़ोन हो, एंड्रॉयड, आईफोन या फिर जो भी, वो सिक्योर रहने वाला है और सही रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन इस कवर में, और अगर मैं बात करूँ इस कवर में अपने फ़ोन को लगाने की, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास फ़ोन है, ये है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स अल्ट्रा जो भी है, इसको मैं अच्छे से लगा देता हूँ। और इसको लगाने के बाद अगर मैं इसे बंद करूँ, पहले तो इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं, और उसके बाद ये देखो, ये मैंने इसको जो है आई थिंक मुझे लगता है कि ये टच वाला भी है। सो एक बार इसको हम फिर से बाहर निकालते हैं और ये थोड़ा सा अब डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये हमने किया इसको बंद इजीली, ठीक है, और ये हो गया लॉक। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसको जो है मैं आराम से यूज़ भी कर सकता हूँ, टच यूज़ कर सकता हूँ, कैमरा यूज़ कर सकता हूँ फ्रंट का, और जो है बैक का भी कैमरा यूज़ कर सकता हूँ राइड करते करते टाइम। आप ये देख सकते हो फ्रंट कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ही आप अगर चल रहे हो तो आप कॉल डायल कर सकते हो, नंबर डायल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। आप मतलब स्कूटी चलाते चलाते या बाइक यूज़ करते करते, राइड करते करते आप जो है इस कवर के साथ अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, आप ये देख सकते हो ये फुल्ली वाटरप्रूफ है और ये हिल भी नहीं रहा है फ़ोन इसके अंदर। आपको लग रहा होगा कि कहीं बजे या फिर हिले, ऐसा भी नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको जो है यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे जो है ये एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर ये आप ये रबड़ हटाओगे तो आप स्कूटी चलाते चलाते राइड करते करते चार्ज भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ जो इसका मेन USP है वो क्या होने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ, ठीक है, मोबाइल को, तो अगर ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है एक मैग्नेटिक स्टिकर जो इसके साथ आया है, ये देखो आप ऐसे यहाँ पे चिपक जाता है। और ये इसमें 3M की टेप के साथ, और 3M का तो आपको पता ही होगा पूरे वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम है, ठीक है। इस स्टिकर को अगर मैं अपने मोबाइल कवर पे यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है, यहाँ चिपका देता हूँ और उसके सॉरी ऐसे अगर चिपका देता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये और ज़्यादा जो है रिगिड बन जाएगा, और ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी, ये मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि स्क्रैच आ जाएंगे मोबाइल पे या फिर कोई इशू हो जाएगा। और बात करें अगर इसके स्क्रू की, जो इसका मेन है वो सिंपल है कि आप इसको यहाँ से जो है लूज़ कर लो, जो है आपको जो है इसके लिए पेचकस या फिर किसी टूल बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल जो है ऐसे ऐसे घुमाओ आप, ऐसे करो और ऐसे करके आप इसे खोल सकते हो। थोड़ा आई थिंक हमें और लूज़ करना पड़ेगा, और लूज़ कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, अब आई थिंक खुल जाएगा। ये हमने ऐसे किया और ये खुल गया, और ये आप देख सकते हो एक जो है ये पार्ट यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है और एक ये पार्ट है। ये किस लिए है ये मैं बता देता हूँ, ये ग्रिप बनाने के लिए है कि सपोज़ जो है आपकी मोबाइल का हैंडल होल्ड, सपोज़ जो है आपकी मोबाइल का जो हैंडल बार है जहाँ आपको लगाना है, वो अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको हटा दीजिए, और अगर छोटा है तो वो आप इसको ऐसे लगा करके रख सकते हैं। मतलब इससे जो है ये श्योरिटी मिलती है आपको कि किसी भी टाइप की आप बाइक हो, किसी भी टाइप की स्कूटी हो, उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप इसे अपनी स्कूटी पर यूज़ कर सकते हैं, कि ये मोबाइल होल्डर इस स्कूटी पे हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो है, ये जो रबड़ वाला पार्ट है, ये हमने यहाँ से जो है कट किया हुआ है,
ये हमने कट किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और ये नहीं लगेगा इस पर, तो इसलिए हमने जो है ये थोड़ा सा पहले ही जो है रबड़ वाला पार्ट काट रखा है और अब ये मेटल के ऊपर कस जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको एज़ यूज़ुअल लूज़ करेंगे, उसके बाद इसको जो है यहाँ से साइड से डालेंगे, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ये इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये देखो आप। सो ये हमने यहाँ लगाया, ठीक है। उसके बाद नीचे से आप देखोगे इसको हमने जो है ऐसे किया टाइट, देन स्क्रू को इसको लिया, ठीक है। अभी जो है ये रबड़ वाला पार्ट भी इसमें आ रहा है, सो इस वजह से ये ठीक से नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रबड़ वाले पार्ट को ना हटा ही देते हैं, रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका देते हैं इसको। ताकि ये ठीक से लग जाए। अब आप देख सकते हो कि अब ये ठीक से लगेगा इस बारी। तो हमने ये डाला अंदर और ये अब ये स्क्रू पूरा ठीक से आ गया है, ठीक है। और अब इसको हम धीरे 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 कस देंगे। सो मतलब ये यूनिवर्सल है, किसी भी स्कूटी बाइक में आप लगा सकते हैं। अगर आपको स्कूटी में लगाना है तो फिर वही है कि आपको थोड़ी सी रबड़ काटनी होगी, ठीक है। ये आपने इसको जो है टाइट कर दिया पूरा, जो है 100% टाइट ना करें, 90% टाइट करें, 10% लूज़ कर दें, क्योंकि फिर बाद में आपको अगर खोल के रखना है तो आप इसे इजीली खोल भी सकते हैं। और जैसे आप मैंने बोला 90% टाइट कर दिया आपने, उसके बाद इसको आप जो है ऐसे लॉक कर सकते हैं। ये आपने टाइट किया और ये थोड़ा और लूज़ करना पड़ेगा, ये टाइट किया और ये लूज़ टाइट हो गया है, ठीक है। अब ये देख लो पूरा एकदम टाइट हो गया, कहीं नहीं जाएगा। और इसको आप अपने हिसाब से जो है इसका आप एंगल भी जो है मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है अप डाउन कर सकते हो, और जो भी जिस भी हिसाब से आपको जो है सेट करना है उस हिसाब पे, उस एंगल पे आप जो है सेट कर सकते हो। मतलब ये 360 आप इसे घुमा सकते हो। ये यहाँ से एक स्क्रू है, यहाँ से मैंने इसको लूज़ किया, इसको आप जैसा मर्जी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, जैसे आपको गूगल मैप देखना है वैसे आप गूगल मैप देख सकते हो। सो ये मैंने हल्का सा टाइट कर देता हूँ ताकि जो है लूज़ कर दिया मैंने, एक सेकेंड, हल्का सा टाइट ताकि मूवमेंट जो है वो आराम से इजीली हो जाए। आप ये देख सकते हो कि ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको जो है पीछे का, मान लो कि आप राइड कर रहे हो और पीछे का आपको जो है रिकॉर्ड करना है, तो उसको ऊपर करो आप और ऐसे करो, और फिर एक सेकंड, हमको थोड़ा और लूज़ करना होगा। अब आप देख सकते हो कि आपको जो है अगर पीछे का रिकॉर्ड करना है तो आप ऐसे करके और पीछे का जो है पीछे कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, ये वाले हिस्से से। मैं आपको फ़ोन डाल के भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। अब ये देखो, और जब मैं आपको दिखा ही रहा हूँ तो गूगल मैप भी निकाल लेता हूँ, और कोई लोकेशन हम सेट कर लेते हैं गूगल मैप पे। और जब हमारा टच इसके अंदर से चली जाएगा, ठीक है, तो हम इसके अंदर से ही क्यों ना जो है सेट करें अपनी लोकेशन। ये हमने टच इसको लॉक किया यहाँ से तीनों साइड से, उसके बाद जो है आप कोई भी अपनी लोकेशन सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको जाना है सपोज़ मुंबई, महाराष्ट्र, तो ये आपने डायरेक्शन लगाई, ठीक है, और ये टू व्हीलर चूज़ किया, और आप अपने घर से जाना चाहते हो तो जहाँ से भी आप जाना चाहते हो होम लोकेशन आपने लगाई, और अभी ये इंटरनेट चल रहा है, और प्रीव्यू सेटअप एंड अब आपका जो है मैप वो तैयार है, वो आप देख सकते हो। सपोज़ आपको वर्टिकल देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप हॉरिजॉन्टल कर लो। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन अपने फ़ोन का ऑन करना पड़ेगा। ये ओरिएंटेशन आपने ऑन किया, उसके बाद ये देखो ये हो गया। अब आप जैसे मर्जी जो है वो देख सकते हैं अपने गूगल मैप, वर्टिकल देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, जैसा मन करे आपको वैसा जो है आप अपने फ़ोन को घुमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें इसमें कैमरे की, तो देखो अभी जो है हमने जो फ़ोन लगाया वो ठीक से लगा नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे खिसक के लग गया है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ठीक से लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम ठीक से यूज़ कर पाएँ अपने फ़ोन को। अब ठीक से लग गया है, और अब जो है आप कैमरा देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है। ये हमने बैक कैमरा यूज़ किया, ठीक है, पीछे का कैमरा आप देख सकते हैं, और फिर हम जो है चाहे फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो राइड करते करते आप खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप सामने भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और प्लस अगर हम बात करें इसके जो नीचे वाले पोर्ट की है, तो इसमें चार्जिंग पॉइंट भी है जिसे आप चार्ज कर सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपको कैसे चार्ज कर सकते हो। सो ये आपने जो है चार्जिंग लिया,
और यहाँ से रबड़ हटाई और यहाँ से आप इसको चार्ज में लगा सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये यह आपने यहाँ से हटाया, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ा और सबसे पहले आपको यहाँ से चार्जिंग केबल को जो है अंदर डाल लेना है, ठीक है। देखो ये कितना मोटा है और इजीली जो है उसके अंदर से आ गया है। उसके बाद आपने जो है इसको सेट किया ऐसे, टाइप सी है मेरे पास चार्जर, देन उसके बाद ये फ़ोन आपका जो है वो सेट हो गया इजीली, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको बस क्या करना है, जो जहाँ पे भी आपका यूएसबी कनेक्शन है वो आप लगा सकते हो। जैसे मेरी स्कूटी में जो है वो इस तरफ दे रखा है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब जैसे ही मैं चाबी ऑन करूँगा, एक आपको बीप का साउंड आ रहा होगा इरिटेटिंग, क्योंकि मैंने साइड स्टैंड लगाया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, फ़ोन पकड़ ले। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज होने लग रहा है, तो मतलब चार्ज भी हो सकता है राइड करते करते, और ये भी इसका एक फीचर है बढ़िया वाला। और टर्न ऑफ किया, अब देखो चार्जिंग हट गया। और सबसे बड़ी बात तो यही है इस कवर की,